ये 2020 है, हम एक महामारी के बीच में हैं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, एक आर्थिक संकट जो अब और गहरा हो गया है, प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या, बॉर्डर की समस्या जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है, और हम सच में चाहते थे कि हमें ये दोबारा ना पूछना पड़े, लेकिन क्या आपके न्यूज में डिसेंसी है? चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। जब इंसान शिकारी था, खाना जुटाने के लिए भटकता था, दुनिया भर में महिलाओं ने खुद को कई तूफानों के केंद्र में पाया और दोष भी उन्हीं को दिया गया, जैसे कि उनके पास लगभग सारी शक्तियां हों, जबकि वो तो सिर्फ बराबरी के हक के लिए लड़ रही थी, या राष्ट्र प्रमुख के तौर पर बेहतर करने की कोशिश कर रही थी, या जब वो बोलने की आज़ादी का इस्तेमाल कर रही थी, या सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। ऐसा लगता है जैसे महिलाओं पर हमला के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, खासकर समाज के तय नैतिकता के पैमाने पर। और अब भारतीय इकोनॉमी पर एक रैंडम विज्ञापन। हमारा जीडीपी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से 23% गिर चुका है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये तो होना ही था। बट क्या इंडिया अगले दो क्वार्टर में अपना रन रेट बढ़ा पाएगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं सीधे अपने न्यूज की तरफ। श्रद्धा कपूर से He's talking about Rhea. दीपिका अपने आप ने मोदी, सिमोन और रकुल, इन्हें कल बुलाया गया है, रवाना हो गई है बाय रोड। तो महिलाओं पर कलंक लगाना इतना आसान क्यों है? एक स्पेक्ट्रम के बारे में सोचिए। एक छोर पर आपको मिलेगा पवित्र, शुद्ध, सबसे अच्छा, और दूसरी ओर बुराई, शैतानी, हिटलर, सबसे खराब। बीच में आपके पास कई अन्य रंग हैं, मुख्य रूप से ग्रे। हाँ, अगर आप महिला हैं तो रेंज ये है, और आजकल काला जादू करने वाली। आप शायद पहले से ही जानते हैं कि ऐसा क्यों है। फिल्मों में स्टीरियोटाइप, खबरों में स्टीरियोटाइप, गानों में स्टीरियोटाइप, घर में स्टीरियोटाइप, सदियों से चली आ रही सेक्सिज्म, जिसे जड़ से मिटाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। और अब इस सदी के महामारी के बारे में एक रैंडम विज्ञापन। देश अब नंबर दो पोजीशन पर पहुंच चुका है 60 लाख से ज्यादा केसेस के साथ। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी है। देश में कई लोग बेरोजगार है, स्कूल और कॉलेजेस बंद है। विश्व भर में 9,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3 करोड़ से ज्यादा केसेस हो गए हैं। दुनिया को अब इंतजार है तो एक वैक्सीन का और एक दवा का। इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं सीधे अपने न्यूज की तरफ। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। क्या करोगे मेरा नाम जान? Why did they do nothing of them? देखिए बात बहुत सिंपल है, ये 2020 है और हम वास्तव में सिर्फ चिल करना चाहते हैं, समाचार देखना चाहते हैं, महामारी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली और चुनावों के बारे में चिंता करना चाहते हैं, और ना कि क्या आपकी न्यूज में डिसेंसी है। आपका समय शुरू होता है अब। नहीं नहीं, अभी नहीं, कभी कभी अदिति, बड़ी मुश्किल है, जाने कहां गए वो दिन। शुक्र है हमारे पास एक और सवाल पूछने का समय है, असली सवाल। हमारा न्यूज कैसा हो? बैलेंस्ड हो, न्यूट्रल हो, फैक्टफुल हो, रिस्पेक्टफुल हो, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने वाला हो, प्रोग्रेसिव हो और इंक्लूसिव हो। देखिए हम एक अच्छे नोट पर समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये कहानी एक चेतावनी वाली समाप्ति के लायक है, तो पेश है चेतावनी की एक काल्पनिक कहानी। ये मुकेश है, ये दिन भर न्यूज देखता था, शाम से लेकर रात तक। इसको बहुत लोगों ने समझाया लेकिन ये नहीं माना, और इस बीच इसको व्हाट्सएप पे फेक न्यूज और फॉरवर्ड्स पढ़ने की भी आदत लग गई। बहुत कोशिशों के बावजूद आखिर में मुकेश अपनी सारी डिसेंसी खो बैठा। क्या आपके न्यूज में डिसेंसी है? कुछ भी, कुछ भी।